पृथ्वी और मैं हूं प्रवीण झा। कोरोना से देश ही नहीं पूरी दुनिया में तबाही मची हुई, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं साउथ अफ्रीका से डॉक्टर सौम्या तिवारी गौतम। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू सो मच आपके पंजाब केसरी पर मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सौम्या जी के बारे में बता दें कि सौम्या जी मूलतः मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की रहने वाली हैं और अभी साउथ अफ्रीका में हैं। मैडम, ये जानना चाहेंगे आपसे कि वहां पर कोरोना की क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आग के जैसे तेजी से फैला हुआ है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव केसेस है। फिलहाल 7,000 से ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं पॉजिटिव केसेस में। जी, तो वहां पर रोकने के लिए सरकार रोकने के लिए इस पर क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है वहां की सरकार? यहाँ पे जैसे ही हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस शुरू हुए और इनिशियली साउथ अफ्रीका ने लॉकडाउन इनिशिएट किया, और मुझे लगता है लॉकडाउन को इनिशिएट करना बहुत अच्छा साबित हुआ। कम से कम वो एक ह्यूमन चेन को तोड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो अच्छा उपाय यहाँ पे किया गया है वो लॉकडाउन इनिशिएट किया गया है यहाँ साउथ अफ्रीका में। और इसके अलावा क्या वहां पर कोई दवाई किस रूप में दिया जा रहा है? जो लोग पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव जिनका आ चुका है टेस्ट, उनको कैसे आइसोलेट किया जा रहा है और उनका क्या ट्रीटमेंट के रूप में क्या किया जा रहा है? क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं तो आप खुद उन लोगों से सामना कर रही हैं। जी, तो यहाँ पे सारे हॉस्पिटलों में सारे डॉक्टर जुटे हुए हैं सबकी सेवा करने के लिए, और कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पे खोले गए हैं जो कम्प्लीटली कोरोना वायरस से पॉजिटिव पेशेंट्स को आइसोलेट करके रखे हुए हैं, तो उनके लिए अलग वेंटिलेशन रूम्स, वार्ड्स और हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। अच्छा, आपसे एक और जानना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक वहां पर जो मरने वालों की संख्या वो काफी कम है, जबकि भारत में दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जा रहा है, तो भारत के लोगों को या भारत के डॉक्टरों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत और साउथ अफ्रीका की तारीफ करना चाहूंगी कि ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के आते ही लॉकडाउन को बहुत जल्दी शुरू कर दिया। अगर आप बाकी देशों से कंपेयर करें, यूरोप या अमेरिका या अदर कंट्रीज, वहाँ पे पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा है। भारत बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जितना ज़्यादा स्क्रीन कर रहे हैं वहाँ पे उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। मेरी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है भारत में कि लॉकडाउन को आप बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा उपाय है कोरोना वायरस से बचने का, और अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लॉकडाउन को फॉलो करेंगे जो सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो कोरोना वायरस से हम जल्दी ही बच पाएंगे। अच्छा, वहां पर एक और ये देखा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका में पिछले कुछ सालों में वहां पर एचआईवी का प्रकोप काफी बढ़ा है और एचआईवी की वजह से वहां काफी लोगों की मौत होती है, लेकिन उसी से सीख लेते हुए वहां की सरकार जो है कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए काफी काम, तो आपको क्या लगता है कि जो एचआईवी का जो संक्रमण था उसके मुकाबले यह काफी कम है दक्षिण अफ्रीका में? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी और टीबी के केसेस बहुत ज्यादा है अगर आप बाकी देशों से तुलना करें तो। इसलिए यहाँ पे अगर कोरोना वायरस से पेशेंट ज्यादा बीमार हो रहे हैं बिकॉज एचआईवी होने की वजह से उनका बॉडी रेजिस्टेंस और इम्यून काफी लो है, तो ये बात सही है कि यहाँ पे हमारा जो देश है दक्षिण अफ्रीका, वो काफी प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रिवेंशन ले रहे हैं, फास्ट स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस पता पड़े और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग काम कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, तो एक बात, वहां पर डे के हिसाब से देखा जाए तो क्या डेटा वहां पर क्या है? पर डे कितने लोग वहां पर पॉजिटिव हो रहे हैं या कितने लोगों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है पर डे के हिसाब से अगर बात करें? देखिए, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पे तो 500,000 से ऊपर एक एक हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग किया जा रहा है। मैं एक हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे तो कई हॉस्पिटल्स हैं। फिलहाल हम लोगों के यहाँ 7,000 से भी ऊपर पॉजिटिव केसेस हैं और 148 मौत हो चुकी है अभी तक। पॉजिटिव काफी हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, बट अच्छी बात यह है कि अगर आप बाकी देशों से तुलना करें तो यहाँ पे डेथ कम है।
अच्छा हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, क्या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो अभी आई नहीं है, वो ट्रायल पर है। तो सबसे ज्यादा इससे बचने का एक ही उपाय है, लॉकडाउन। बहुत लॉकडाउन से हमें बहुत लाभ हो रहा है। लॉकडाउन को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन चीजें फिलहाल कोरोना से बहुत ही जल्दी एक दूसरे को बचा सकती हैं। तो इन तीन चीजों का बहुत ही ज्यादा पालन करना चाहिए। नहीं, आप अगर कुछ लोगों के आहार यानी खाने में अगर कुछ जोड़ सकती हैं, हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं इस तरह के कि किस चीज को खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है, आप एक डॉक्टर के नाते क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, सबसे पहले तो जितना ज्यादा आपके लिए पॉसिबल हो सके आप वेजिटेरियन डिशेस ज्यादा लीजिए, शाकाहारी ज्यादा लीजिए। आप उसमें इम्यून बूस्टर की चीजें ले सकते हैं, संतरा, ककड़ी, अदरक, लहसुन, नींबू, इन सब चीजों का खाद्य पदार्थ में आप ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और खाने के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन, योगा को भी करते हैं सुबह 10 मिनट के लिए, वो भी आपके शारीरिक और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा लाभ देगा। अच्छा, एक सवाल और है हमारे पास, लोग पूछ रहे हैं कि वहां पर लोग किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया था, क्या अभी भी वहां पर लॉकडाउन है, और अगर है तो लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं उस लॉकडाउन का? जी हाँ, अभी भी यहाँ पे लॉकडाउन है। जैसे कि मैं न्यूज देखती रहती हूँ, भारत में भी यहाँ पे भी एक लेवल सिस्टम आ गया है, धीरे धीरे लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं, पर फिर भी हम सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग लेवल 4 लेवल 5 में हैं, तो हर चीज नहीं खोली गई है, जितनी ज्यादा जरूरी चीजें हैं वही खोली गई है, और धीरे धीरे इस लॉकडाउन को हम लोग यहाँ पे ईज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद 9 या 15 मई से वहां पर स्कूल और कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे, तो क्या यह वहां अभी इतना स्थिति कंट्रोल में है कि अगर हम वहां की सरकार स्कूल और कॉलेजेस को खोलते हैं तो उससे कोरोना का प्रकोप नहीं बढ़ेगा? देखिए, कोरोना वायरस से तो हम नहीं जानते कि कब तक हमें ये कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी। इसमें 1 साल भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकते हैं, पर ये बात सही है कि यहाँ पे धीरे धीरे वो लोग स्कूल को खोल रहे हैं, कॉलेजेस को खोल रहे हैं। रिस्क है खोलने से, बट लोगों की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं तो हमको एक ईज करने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स टू फॉरवर्ड करने चाहिए। लेकिन हाँ, दक्षिण अफ्रीका में वो जो स्कूल और कॉलेजेस खोलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के साथ खोले जाएंगे। अच्छा, तो भारत में किस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अभी यहाँ भी जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में कुछ चरणों में यानी कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इस तरह से 5 लेवल में वहां पर किया गया है, भारत सरकार भी इसी तरह से उसको जोन वाइज बांट दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जोन वाइज बांटना है, जो भारत के परिदृश्य में अगर देखा जाए, क्योंकि भारत में तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये भारत के लिए सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि वो देश को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं उनको फॉलो करती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनका लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए और धीरे धीरे चीज़ों को ईज करने के लिए। पर मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक डिसीज़ है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी लोग इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम सब लोग इन चीजों को सीरियसली लेके लॉकडाउन का पालन करेंगे, तभी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत सही बात है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन को धीरे धीरे ईज करना चाहिए, और जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है हमारी, उन सब लोगों को इसका पालन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक दो आपका आपसे पर्सनल सवाल होगा, क्योंकि आप जी 2018 में जो डर्बन में मिस इंडिया साउथ अफ्रीका अगर खिताब आपने जीते, उसके बाद भी आप अपने पेशे को नहीं छोड़ी,
अपने पेशे में ही रही, तो इसके पीछे आपको ये कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि नहीं हम डॉक्टर के प्रोफेशन में ही रहें? जी हाँ, मैं मिसेज इंडिया साउथ अफ्रीका 2018-2019 हूँ और काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और काफी अवार्ड भी जीत चुकी हूँ। पर मैं अपने पेशे को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों की सेवा करना, उनकी जान बचाना, उनको एजुकेट करना, ये मेरा पैशन है। मैं बचपन से ही एक ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ जहाँ पे मैंने सेवा करना सीखा है, लोगों की देखरेख करना सीखा। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और लोगों की और मरीजों की सेवा करना ये मेरा पैशन है। सो शायद इसी की वजह से मैं अपना करियर नहीं चेंज करना चाहती। अच्छा, एक सवाल और है कि आप एक छोटे से इलाके से यानी होशंगाबाद से आप साउथ अफ्रीका पहुंची हैं, कैसा रहा यहाँ से होशंगाबाद से साउथ अफ्रीका का सफर? जी, मैं होशंगाबाद की हूँ। मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला इंडिया से, बहुत लोगों का आशीर्वाद है। बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है मेरे लिए होशंगाबाद से साउथ अफ्रीका तक का। काफी लंबा सफर रहा है, 7 साल से मैं साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में हूँ। काफी कुछ मैंने यहाँ पे हासिल किया है, तो मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत पल है। और साथ साथ मैं भारत की हूँ, भारत से हमेशा जुड़ी हुई हूँ। वहाँ के लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है, उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या आप भविष्य में कभी भारत आकर भी काम करना चाहेंगे? जी जरूर, मैं अपनी अपनी मदरलैंड को, अपनी कंट्री को, अपने देश के लिए कभी भी, जब भी जरूरत है मैं हाजिर हूँ और जरूर काम करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि इंडिया और साउथ अफ्रीका कनेक्ट हो एक दूसरे से, क्योंकि मैं स्माइल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो यही है कि मैं स्माइल फाउंडेशन, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं स्माइल फाउंडेशन पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट इंडिया में भी स्माइल ऑपरेशन के नाम से ये काम किया जाता है। तो मैं साउथ अफ्रीका और इंडिया को जी, डेफिनेटली जोड़ना चाहूंगी। तो आप क्या भारत में आकर तब उसी तरह से काम कर पाएंगी जिस तरह से आपको जो दक्षिण अफ्रीका में मिला है, जो फेम वहां पर मिला, क्या आपको लगता है कि आपको अपने देश में भी इसी तरह से फेम मिलेगा? जी, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि मेरे देशवासियों के प्यार की वजह से आज मैं विदेश में ये सब चीजें हासिल कर पाई हूँ। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि जो जिंदगी मैं साउथ अफ्रीका में जी रही हूँ वही मैं इंडिया में जीऊंगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी साउथ अफ्रीका से, क्योंकि भारत में जिस तरह से लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रहे, हालांकि यह संख्या बहुत कम है जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, काफी लोग घर में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे आपके न्यूज चैनल से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ भारत में। मेरा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए यह बहुत कठिन समय है। हम सभी लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, काफी तकलीफों से गुजर रहे हैं। बट प्लीज, अगर हम आपके लिए अस्पताल में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए आप अपने घरों पर रहिए। हर एक इंसान मेरे हिसाब से एक फ्रंट लाइनर वर्कर है। आप सभी की जिम्मेदारी आपकी जिंदगी की तरफ है। तो जितना ज्यादा आप इस चीज को समझेंगे और जितना ज्यादा आप कोरोना वायरस की सीवियरिटी को समझेंगे, उतना ही आप ज्यादा महसूस कर पाएंगे कि जब तक हम सब लोग साथ में होंगे तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज सब लोग अपने घरों पर रहिए, हैंड वॉश कीजिए, फेस मास्क यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। ये सब चीजें ही हमें कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थी साउथ अफ्रीका से डॉक्टर सौम्या तिवारी गौतम, जिनका कहना था कि अभी तक कोई भी दवाई नहीं निकला है कोरोना से लड़ने के लिए, तो आप लोग सिर्फ अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का सही से पालन कीजिए, तभी हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।